श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सांसारिक पदार्थ मात्र जिन्हें संसारी लोग अपना मानते हैं, भक्त उन सब को परमात्मा का मानता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा रूप से ही होती है। उसका भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई राग नहीं होता। आज आपके सामने ऐसे ही भगवान के परम भक्त प्रेम निधि की कथा लेकर आया हूँ। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। प्रेम निधि जी कथावाचक थे, भागवत कथा कहा करते थे। उनका एक नियम था कि प्रभु के स्नान पान के लिए सूर्योदय से पूर्व ही यमुना स्नान करके गागर में पावन यमुना जल ले आने का नियम बना रखा था। यमुना जी भगवान की पटरानी है, उनके जल से ही वे आनंदित होते हैं। इसी भावना से प्रेम निधि ने यह व्रत लिया था। नित्य यमुना जल से प्रभु का जलपात भरे बिना उन्हें अपना जीवन ही अधूरा लगता था। समय बीतता गया। वर्षा ऋतु ही एक रात्रि के दूसरे पहर से मूसलाधार जल बरसना आरंभ हो गया। घोर अंधकार में बिजली कौनती तो भय से छाती कांप जाती। सूर्योदय से पूर्व प्रेम निधि जी जाग गए, किंतु अभी बुद्धि कहती कि इतने कीचड़ में यमुना कैसे पहुँचेंगे। तो कभी भावुक भक्त का हृदय बोलता, चलो प्रेम निधि, अपने प्यारे श्री कृष्ण की सेवा में प्रमाद करना ठीक नहीं। यमुना मैया आप ही राह देख रही होंगी। अंत में भक्त को हृदय की बात माननी पड़ी। कीचड़ से लथपथ मार्ग में लड़खड़ाते हुए प्रेम निधि बढ़ चली। ऊपर से वर्षा लगातार तेज थी। उसी समय एक 10-12 वर्ष का बालक मसाल लिए यमुना जी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेम निधि को थोड़ा सा प्रकाश का सहारा मिला। बालक को राजपथ का मसालची समझ वे पीछे चलते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। मसालची का अब कहीं अता पता न आता। प्रेम निधि जी ने सोचा कि वह अपने रास्ते चला गया होगा, पर यमुना जल से गागर भर के जब वे लौटे तब कुछ ही पग चलने पर वैसा ही एक मसालची फिर उन्हें दिखा। घर के द्वार तक सुखपूर्वक वो आ गए। एक दृष्टि मसालची पर डालने के लिए जैसी मुड़े, पर वहाँ ना मसालची था ना प्रकाश, अंधेरा ही अंधेरा था। किंतु अंतरात्मा में अरुणोदय हो चुका था। वे विह्वल हो उठे, हे गोपाल, तुम कैसे कृपायातन हो। नैन भर दर्शन भी नहीं कर पाए और अंतर ध्यान हो गए और उन प्रेमाश्रु उनके आँखों से बहने लगे। इस घटना से उनकी सेवा और भक्ति भावना में और भी निखार आ गया। अब तो उन्हें उस राशेश्वर के नित्य सर्वदा अपने अत्यंत समीप होने की अनुभूति होने लगी। भागवत कथा का समय बढ़ाकर प्रेम निधि प्रभु की लीला का अधिक गायन करने लगे। कथा में अब मानो विशेष रस आने लगा। प्रभु की लीलाओं का गुणानुवाद वे ऐसे विलक्षण मधुरता से करते कि मानो उनका गोपाल वहीं खड़ा हो उनसे बातचीत कर रहा हो। श्रोतागण भी आनंद में डूब जाते। यह देखा गया कि भगवत जन जब संसार से विमुख होकर पूर्णतया ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं, तब उसे प्रायः संसार से तिरस्कार और लांछन ही मिलता है, पर इससे उनकी भक्ति और दृढ़ हो जाती है। सोना तो तप कर ही कुंदन बनता है। उस समय मुगलों का शासन था। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनका बढ़ता यश देखकर षड्यंत्र रचा और प्रेम निधि पर अनेक स्त्रियों को कथा के बहाने अपने पास बुलाने तथा उनके साथ सांसारिक प्रेम वासना में फंसे रहने का दूषित आरोप लगा दिया। प्रभुता मत में उन्मत्त शासक ने उन्हें कारागार में डालने का आदेश दिया। एक दिन प्रेम निधि अपने कन्हैया के लिए यमुना जल लेने जा रहे थे कि क्रूर सिपाही घर में घुस गए और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगे। जलपात प्रभु विग्रह के सम्मुख ही लुढ़क गया। वे प्रेम निधि को बांध कर ले चले। प्रेम निधि तो प्रत्येक क्रिया को प्रभु को ही विधान मानते थे, अतः किसी के प्रति भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं था। कारागार की कोठरी में पड़े पड़े वे सोचने लगे, हाय, मैं कैसा अधम जीव हूँ जो आज अपने नंदलाल को प्यासा ही छोड़ आया। धिक्कार है मुझे, अब मेरे नंदलाल को यमुना जल कौन पिलाएगा। समय क्षणों को पीता जा रहा था, किंतु प्रेम निधि के विरह प्यास बढ़ती जा रही थी। उसी रात यवन शासक ने स्वप्न में देखा कि बालक रूप में श्री कृष्ण असहाय से खड़े रोनी सूरत बना के कह रहे हैं, मोए बड़ी प्यास लगी है,
अरे अत्याचारी, तोने मोकू नेक यमुना जल भी पीने नहीं दियो। बालक की मोहनी मूरत ने यवन राज पर जरा जादू सा कर दिया। स्वप्न में भी ही वह गागर में बड़े यत्न पूर्वक यमुना जल लाया और उसे प्रभु को अर्पित किया, किंतु छटक कर दूर खड़े हो गए भगवान और बोले, नाना मैं तेरे हाथ का जल ना पीऊं, मेरे प्यारे को तो तोने बंदी गृह में डाल दिनो है, मैं तो वाई के हाथों ही जल पियूंगो। स्वप्न लीला समाप्त हुई। भय से कांपता हुआ वह मुगल शासक उसी समय कारागार की ओर दौड़ा। अपने हाथों से ही प्रेम निधि की कोठी का ताला खोलकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। क्षमा करो महाराज, उसका कंठ काफी द्रवित था, मैंने झूठी शिकायतों को सच मानकर आपको व्यर्थ ही कष्ट पहुंचाया। आप शीघ्र ही जाइए, आपके प्यारे कन्हैया प्यासे बैठे हैं। आगे वह कुछ न बोल सका, उसकी वाणी में पश्चाताप से अवरुद्ध हो रही थी। प्रेम निधि को रात्रि के उसी क्षण उनके घर पहुंचाया गया। प्रेम निधि जी घर से गागर उठाकर अविलंब यमुना तट पर पहुंचे, स्नान किया, यमुना जल से गागर भरी और आकर नंदनंदन गिरधर गोपाल को शीतल यमुना जल अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह पर उस समय एक अनोखी तृप्ति झलक रही थी। अखिल ब्रह्मांड को तृप्त करने वाले प्रभु कृपावश आज प्रेमी भक्त प्रेम निधि से जल ग्रहण कर तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।